हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सोल्यूशन क्लास चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि क्लास ट्वेल्थ का मैथ एनसीईआरटी सोल्यूशन वीडियो है। और इस जो क्वेश्चन लिया गया ये वो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कंसेप्ट जानना जरूरी है, जो कि हमने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैट्रिसेस में हमने कंसेप्ट 1 to 9 नौ कंसेप्ट वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से आपको चार कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए देखना जरूरी है। लेकिन आप एक्सरसाइज 3.2 पूरा अगर सॉल्व कर रहे हैं आप, तो इस सारे कंसेप्ट को देख लीजिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से इसको एक्सरसाइज का सॉल्व कर लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 8 देखना होगा, 3, 4 and 5 इस क्वेश्चन के लिए चार वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेक्चर नंबर 8 में मैंने बताया है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक के साथ दूसरे मैट्रिक को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में बताया कि दो मैट्रिक को कैसे इक्वल करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में बताया कि दो मैट्रिक को कैसे ऐड करेंगे। और लेक्चर नंबर 5 में बताया कि किसी मैट्रिक के साथ स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। आशा करते हैं कि आप चार वीडियो जरूर देख लिए होंगे, उसके बाद ही आप इस सोल्यूशन वीडियो को देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एंड आई मैट्रिक्स इज गिवन, यानी कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और के का वैल्यू आपको निकालना है इस इक्वेशन से। तो यानी कि आपको सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ए इंटू ए, यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ अगर आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो उठाइए एंड सेकेंड मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, बारी बारी से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मेरे कहने का मतलब हुआ कि पहले जो मैट्रिक्स है ये, वो पहले मैट्रिक्स को रो को उठाइए और दूसरे मैट्रिक्स को कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3 into 3 9 प्लस -2 into 4 -8। फिर यहाँ से 3 into -2 -6। -2 into -2 +4 हो जाएगा। और उसी तरह से 4 into 3 12 एंड -2 into 4 -8 एंड 4 into -2 -8 एंड -2 into -2 +4। तो इसको सॉल्व किए तो आ गया -1 -6 +4 -2 और ये 4 और ये आ गया 4। तो ए स्क्वायर किए तो ये आ गया। अब यानी कि नाउ आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i को इक्वेशंस को सोल्व कीजिए और k का वैल्यू आप बताइए। तो k के वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप कीजिएगा ए स्क्वायर मेरा कितना आया, 1 -2 4 -4 आ गया। k मैट्रिक्स हमें निकालना है और ए मैट्रिक्स कितना है, 3 -2 4 -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, ये है, और इसके साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कीजिएगा, 2 into 1 2, 2 into 0 0 एंड 2 into 0 0 एंड 2 into 1 = 2। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार रिजल्ट आया। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, 1 - 2 4 -4 इसको जस का तस रहने देते हैं। अब जब के से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कि हम लेक्चर नंबर 5 में बताया कैसे करना है, स्केलर क्वान्टिटी हमारा के है और इसको साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 into k 3k -2 into k -2k 4 into k 4k एंड -2 into k -2k। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 0 0 2। अब ये किसके, यहाँ तक तो आप सीख गए होंगे बहुत ही आसानी से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है 1 - 2 4 -4 लिख दिए। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3k माइनस 2 हो जाएगा, -2k -0 तो -2k हो जाएगा एंड 4k -0 तो यहाँ से 4k हो जाएगा एंड -2k -2 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप इक्वल की जगह किसी भी कंपोनेंट को उठा लीजिए, या तो आप 1 = 3k -2 कर लीजिए, या -2k = -2 कर लीजिए, या आप 4 = 4 कर लीजिए, या आप -2k -2 = -4 कर लीजिए। ये चारों जो इक्वेशन आए आप किसी को भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू 1 आ जाएगा। किसी को आप सॉल्व कर लीजिए, या तो 1 का कीजिए तो 3k = इधर 1 है तो प्लस में आएगा, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो
वन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री कैंड थ्री इज इक्वल टू थ्री के, तो यहाँ से भी k का वैल्यू वन, यहाँ से भी k का वैल्यू वन, यहाँ से भी k का वैल्यू वन और यहाँ से भी k का वैल्यू वन आ जाएगा। तो आपको निकालना था कि फाइंड k का वैल्यू निकालिए, तो जो कि हमने बता दिया कि k का वैल्यू वन आएगा, तो यही हमारा आंसर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन लेकर आपको आएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।